हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक रेगुलेटिव लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक रेगुलेटिव लाइफ, एक मर्यादित जीवन हम क्यों जीवें, आखिर इसकी क्या जरूरत। ध्यान रहे मनुष्य वही है जो मर्यादा में रहे, नहीं तो फिर वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। देखिए आज सभी जीव अपने अपनी मर्यादा में है, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा में। आज कुत्ते को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू कुत्ता बन जा, गधे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू गधा बन जा, लेकिन मनुष्य को आज कहने की जरूरत पड़ रही है कि एटलीस्ट बी अ ह्यूमन, एक मनुष्य तो बन जा। आज लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे और यही वजह है कि इतनी बीमारी, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना टेंशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। देखिए बिना मर्यादा का जीवन ऐसे ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री लाल गोविंद प्रभु जी कहते हैं कि जैसे आपको कोई बहुत सुंदर कार दे, BMW और मर्सिडीज दे दे और कहे आप चलाओ, आप बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास चला रहे हो कार को, हाईवे पर एकदम 200 की स्पीड में हो और गाड़ी देने वाला फोन करे, हेलो गाड़ी कैसी है, बहुत अच्छी है, कलर कैसा है, बहुत अच्छा है, रंग कैसा है, बहुत अच्छा है, टायर कैसा है, बहुत अच्छा है, सीट कैसी है, बहुत अच्छी है, स्टेयरिंग कैसी है, बहुत अच्छा है, ओके थोड़ा गाड़ी को संभाल के चलाना, गाड़ी में ब्रेक ना है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्या हाल होगी बताइए। तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी अच्छी कार हो, लेकिन यदि गाड़ी में ब्रेक ना है तो बेकार है वो गाड़ी, कुछ काम की नहीं। ठीक उसी प्रकार कितना भी सुंदर हमारा रूप हो, कितना भी सुंदर हमारा चेहरा हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, लेकिन जीवन में मर्यादा नहीं तो जिंदगी बेकार की है। जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो कार कोई काम का नहीं होता, वैसे जीवन में मर्यादा नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं है। जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, मनुष्य वही है जो मर्यादा में रखे, एक मर्यादा ही है जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। नहीं तो देखिए क्या है दोनों में अंतर, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं हम भी पीते हैं, वो भी चलते बुलते हैं हम भी चलते बुलते, दोनों में अंतर क्या है। अंतर यही है कि वो मर्यादा में नहीं रह सकते, मनुष्य मर्यादा में रह सकता, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य आज ऐसे पशु भी अपनी मर्यादा में है लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा में नहीं है। ना खाने का समय कोई समय, ना पीने का कोई समय, ना सोने का कोई समय, ना जगने का कोई समय, ना कपड़े पहनने के ढंग, ना घर में रहने के ढंग, कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण कहते हैं गीता में, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यादो नियम भरत ऋषभ। हे अर्जुन, यदि तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हो तो एक डिसिप्लिन लाइफ जियो और तुम प्रारंभ से ही इसे नियमित करो, रेगुलेटिव करो। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को रेगुलेट ना कर सकता है वो आत्म साक्षात्कार अथवा ओरिजिनल ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, या वो उस व्यक्ति का जो जीवन का अल्टीमेट गोल है, जो उसका गोल है उस व्यक्ति का, वो उस कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है तब वह व्यक्ति अपने मन पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है, वह अपने फ्रस्ट्रेशन को घटा सकता है, टेंशन को घटा सकता है, डिप्रेशन से अलग हट सकता है, डिसीजन लेने की शक्ति को बढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि उसे एक मर्यादित लाइफ जिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यादो नियम भरत ऋषभ। हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को नियमित करो, रेगुलेट करो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज रूपानुगा दास, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दैट्स रूपानुगा दास .rgm। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।